नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योति दर्पण में आप सभी का स्वागत है। मुंबई के आरे में पेड़ों की कटाई जारी है। पेड़ों को काटने का काम कल रात को शुरू किया गया है। जैसे ही पेड़ों की कटाई का काम शुरू हुआ, लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने देर रात इन लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल है। इसके बाद पूरी रात पेड़ों की कटाई हुई है। सुबह भी लोग प्रदर्शन करने की तैयारी में है, लेकिन लोगों को पुलिस ने आरे के बाहर रोक दिया है। आरे की ओर जाने वाले रास्तों को पुलिस ने नाकेबंदी कर दी गई है। लोगों को इस इलाके में आने से रोका जा रहा है। आरे और उसके आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। आरे के आसपास धारा 144 लगा दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता योगेंद्र यादव ने भी आरे में पेड़ों की कटाई शुरू होने का विरोध किया था, साथ ही साथ इसके प्रति उन्होंने चिंता भी जताई थी। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा कि ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन से होने वाले गंभीर संकट सामने दिख रहे हैं, जब महाराष्ट्र सरकार की ओर पेड़ों को काटने और मेट्रो शेड के लिए दूसरी जगह ना देखने की जिद काफी डराने वाली है, ये पृथ्वी को लेकर एक दूरदर्शिता है जो आगे हमें परेशान करेगी। दोस्तों, इसके बारे में हम 10 ऐसी बड़ी बातों के ऊपर गौर करते हैं जो वाक्य में भयावह है। नंबर 1, पेड़ काटने के खिलाफ जहां लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो वहीं बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा और नेता जिग्नेश मेवानी ने इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज उठाई है। नंबर 2, अदालत की ओर से आरे कॉलोनी को बचाने के लिए दायर चारों याचिकाओं को बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब याचिकाकर्ता जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। नंबर 3, कांग्रेस नेता जयराम रमेश मंगलवार को आरे कॉलोनी पहुंचे और पेड़ों की कटाई को बचाने की बात कही थी। नंबर 4, ट्री कमेटी की ओर से पेड़ों को काटने की अनुमति देने के बाद अदालत में इस मामले पर याचिका दायर की गई थी। नंबर 5, इस मामले में केंद्र और राज्य में सत्ता में एक साथ शिवसेना और बीजेपी का रूप अलग है। नंबर 6, बीजेपी विकास के पक्ष में नजर आ रही है, तो वहीं शिवसेना पर्यावरण के पक्ष में है। नंबर 7, बीते काफी दिनों से आरे कॉलोनी में जंगल काटने को लेकर विवाद हो रहा है। सरकार वहां मेट्रो कार शेड बनाना चाहती है। नंबर 8, पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि आरे में कार शेड की योजना जमीन हड़पने के लिए है। नंबर 9, कुछ समय पहले ही मेट्रो शेड से अलग आरे कॉलोनी में अंतरराष्ट्रीय दर्जे का चिड़ियाघर बनाने के लिए बीएमसी, वन विभाग और राज्य सरकार के बीच एक डील हुई थी। नंबर 10, डील के मुताबिक आरे कॉलोनी की 120 एकड़ जमीन पर 500 करोड़ रुपए की लागत से चिड़ियाघर बनाया जाएगा। दोस्तों, क्या आप वाकई पेड़ों की कटाई को लेकर काफी चिंतित है? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।